नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। 6 जनवरी 1,17,100 केस। सात जनवरी 1,41,986 केस। 8 जनवरी 1,59,424 केस। 9 जनवरी 1,79,554 केस। संक्रमण की रफ्तार तूफानी है, 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, यही सवाल सरकार से लेकर हर आम आदमी को भी परेशान कर रहा है। संकट की इस घड़ी में IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा डराने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में 15 जनवरी से हालात बेकाबू हो सकते हैं। फरवरी का महीना भारत के लिए तीसरी लहर के पीक का होगा। इस दौरान 4 लाख से 8 लाख लोग हर दिन संक्रमित हो सकते हैं। हर दिन 2 लाख नए केस के करीब हिंदुस्तान पहुंच चुका है। इसलिए इन दावों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन सवाल है कि क्या फिर से दूसरी लहर की तरह मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात होंगे? इतने लोगों को इलाज और दवा कैसे मिलेगी? देश में अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है। ठंड के मौसम में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सर्दी खांसी बुखार की वजह मौसम है या फिर वायरस। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे। भारत को लेकर अमेरिका के एक एक्सपर्ट की भविष्यवाणी भी है। अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में आने वाले वक्त में हर दिन 5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। भारत के 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 44,388 नए केस मिले। मौत, 146 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज इलाज करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी हाल बुरा, 24,287 नए केस मिले हैं, 18 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 51,384 एक्टिव केस है। दिल्ली में 22,751 नए केस आए, 17 लोगों की मौत हुई। अब राजधानी में 39,873 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में नए केस 12,895 हैं, कोरोना से 12 की मौत हुई है, एक्टिव केस 30,817 है। कर्नाटक में 12,000 लोग और कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 4 की मौत हुई है, कर्नाटक में एक्टिव केस 30,142 हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। राजनाथ सिंह घर में ही आइसोलेट हो गए हैं। दिल्ली में 1,000 पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त 800 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में 13 DCP समेत 18 IPS अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। 48 घंटे में मुंबई में 114 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव मिले। 2 पुलिस वालों की मौत भी हो गई। ओमिक्रॉन डेल्टा से तेज रफ्तार में फैल रहा है, लेकिन इसे कम खतरनाक बताया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स में यही कहा गया है कि वैक्सीनेटेड लोग इसके संक्रमण से आसानी से उबर रहे हैं। खतरा सिर्फ नए म्यूटेशन यानी नए वेरिएंट के बनने का है। डराने वाली रिपोर्ट साइप्रस से आई है। साइप्रस के वैज्ञानिक ने कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया। डेल्टा क्रॉन को डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिक्स बताया गया है। साइप्रस के वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस को अपनी रिसर्च भेजी। हालांकि ब्रिटिश डॉक्टर इसे नया स्ट्रेन नहीं मान रहे। अब चीन की वायरल तस्वीर देखिए। वायरस को मारने का नया तरीका बड़ा अजीब। सैनिटाइज करने की जगह यहां आग के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक आदमी धुआं छोड़ रहा है, जैसे मच्छरों को भगाने के लिए किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते ब्रिटेन और अमेरिका के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। फ्रांस में रविवार को 2,96,097 नए केस आए। ब्रिटेन में रविवार को कोविड के 1,41,772 नए मामले आए। ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैलता है, इसका अंदाजा ऑस्ट्रेलिया की हालत से भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई। इसमें हैरानी की बात यह है कि 10 लाख में से 50% से अधिक मामले बीते हफ्ते ही दर्ज किए गए हैं, यानी एक हफ्ते में ही केस डबल हो गए हैं।